यूनिवर्सिटी एडमिशन फॉर्म। किसका? तुम्हारा। मेरा? मैं कुछ समझी नहीं। जवाब दो ईशा। आई एम वेटिंग। जी वो मुझे अंदाजा नहीं है कि यहाँ पे क्या था क्या नहीं था। मैंने जैसे बॉल लिया था मैं चली गई थी यहाँ से। ओके तो बहुत अच्छी लग रही। बहुत अच्छी बनी है। ईशा होती ना तो किसी और को हाथ ना लगाने देती। उसे कड़ी बहुत पसंद थी ना। अब कहाँ शमसा वही तो चख कर बताती थी कि कड़ी अच्छी बनी है या नहीं। वैसे उसके बगैर खाने का मजा नहीं आएगा। हाँ माँ मगर छोड़े कौन जाएगा वहां देने। आप दोनों ने ऐसी शक्लें क्यों बनाई हुई है? भला मैं किस दिन काम आऊंगी? आप इसको पार्सल कर दें मैं जाके दे आती हूँ। अरे कोई जरूरत नहीं तुम्हें वहां जाने की। क्यों अम्मी मेरी आप ही का घर है वो। हाँ सही कहा आप ही का घर है तुम्हारा नहीं। दादी आप ही बताएं अब हम इन छोटी छोटी खुशियों में भी आप ही को याद ना करें। कोमल तुम नहीं जाओगी मैंने कह दिया ना एक बार। दादी आप बताएं मैं कुछ गलत कह रही हूँ क्या? अच्छा तुम ऐसे करो कि तुम चली जाओ लेकिन जल्दी आना। साहिर ये महसूस ना करे कि अब ईशर के घर वाले हर वक्त आते जाते ही रहते हैं। जी दादी थैंक यू सो मच दादी आप बहुत अच्छे हैं। फिर ना पुलिस आ गई उसके बाद तो क्या लश वाला सीन हुआ अंकल। आपको बताऊ ना मैं तो आप हंस हंस के लोट पोट हो जाएंगे। अब्बा खाना खा ले। देख रहे अंकल घर के मेहमानों को कोई लिफ्ट नहीं और आपको वीआईपी प्रोटोकॉल। I'm really sorry, अभी तो मैं भूख लग रही है तो मैं कुछ बना देती हूँ। अब भूख लगने पे कुछ बनाया जाए तो उसमें अपनाइयत कैसी? क्यों अंकल आप ऐसा करें कि अब्बा को ये खिला दें मैं उतनी देर में कुछ बना लाती हूँ। अरे नहीं नहीं मुझे भूख नहीं तुम खिलाओ अंकल। आपको पता है अंकल ईश्वर को मेरी जरा भी फिक्र है। हाँ अगर होती तो मुझे अपने हाथ का बना हुआ मजेदार अच्छा अच्छा और मोटा करने वाला खाना थोड़ी ना खिलाती। आपको एक सीक्रेट बताऊं 4 किलो वजन बढ़ गया मेरा। किसी को बताना मत। इट डजंट गो विद इमेज। एक मिनट तुम बताओगे भी तो किसको? एक ही घर में होने के बावजूद मुझसे तो बात नहीं करती तुम। पुअर मी। इशलापी ये कोमल की आवाज थी ना। हाँ तुम अंकल को खाना खिलाओ मैं देख के आता हूं। अरे कोमल तुम आप तुम इस वक्त आपको एतराज है तो मैं चली जाऊं। अरे नहीं मुझे क्या एतराज हो सकता है। What a pleasant surprise. Can't believe you are here. Surprise तो ईशल आप ही के लिए पर आपको देखकर भी खुशी हुई। सिर्फ आप ही के लिए? जान के भी अनजान बन रहे हैं। नहीं बस कुछ और सुनने की कोशिश कर रहा हूं। तुम अम्मी ने कड़ी बनाई थी ना आज और मुझे पता है आपको कड़ी बहुत पसंद है बस इसलिए देने चली आई। थैंक यू सो मच लेकिन बताकर तो आती। सरप्राइज। अच्छा चलो अंदर आ जाओ। एक मिनट देखा तुमने आंटी कितना प्यार करती है मुझसे। कल मैंने कॉल की और आज आंटी ने कड़ी भेज दी। वाह
क्या खुशबू है नहीं? आई बेट आंटी तुमसे हजार गुना अच्छा खाना बनाती हूँ, क्यों कोमल? मैं अम्मी तक आपकी ये तारीफ पहुँचा दूंगी। हाँ तारीफ भी पहुँचा देना और मैं तुम्हें लिस्ट बना के दूंगा अगली बार के सरप्राइजेस के लिए, वो भी उनको दे देना। जब दोबारा हो ना तो बहुत सारे सरप्राइजेस लाना, ओके? श्योर, जो आपको पसंद। थैंक यू, मुझे ना अब बहुत जोरों की भूख लगी है। चलो चलो कड़ी ठंडी हो जाएगी, आई कांट वेट। क्या जायका है ना आंटी के हाथों में, मैं तो फैन हो गया आंटी का। थैंक्स। बाय द वे तुम्हें पता है ईशल का यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है। व्हाट? मुझे नहीं पता था। क्या ईशल तुमने कोमल को नहीं बताया? नहीं, आई डिडंट नो दिस। आप ये कब हुआ? तो मैं बताने वाली थी लेकिन वक्त ही नहीं मिला, आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके, खैर आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। सब घर वालों को जानकर कितनी खुशी होगी, स्पेशली बाबा को। उनकी हमेशा से ख्वाहिश थी कि आप अपनी तालीम मुकम्मल करें। खुश तो सब होंगे लेकिन मेरे लिए थोड़ा टफ हो जाएगा। अरे कोई टफ नहीं होगा ईशल, सब आराम से मैनेज हो जाएगा। कौन वाली? ठीक कहते हैं शेरिया, रास्ते खुद बन जाया करते हैं। बाय द वे आप ही आपने मेरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्यों नहीं लिया? तुम्हारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेती लेकिन एडमिशन क्लोज हो गए थे ना, और कुछ ऐसी फॉर्मेलिटीज थी जो तुम्हारी यूनिवर्सिटी पूरी नहीं कर सकती थी। मिल जाता तो अच्छा हो जाता ना, एटलीस्ट हम रोज मिल सकते थे। वो तो अब भी मिल सकते हैं। एक आइडिया है मेरे पास, हम लोग रोज यूनिवर्सिटी जाते हुए कोमल को घर से पिक कर लेंगे और वापस आते हुए उसे घर ड्रॉप कर देंगे। अब एक दिन में इतनी मुलाकात तो काफी है ना? नहीं, इसको बाबा छोड़ आते हैं और हमें इतना आउट ऑफ द वे जाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे बाबा तो छोड़ देते हैं लेकिन वो कितनी प्रॉब्लम होती होगी ना, तुम्हें जरा भी फिक्र नहीं अपने बाबा की? हाँ, और बाबा अक्सर लेट हो जाते हैं। सी दिस, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बाबा छोड़ आएंगे। मर्जी है तुम्हारी, तुम अपने बाबा को खुश नहीं देखना चाहती, प्रॉब्लम में देखना चाहती हो तो मैं क्या कर सकता हूं। हेलो ईशल, अच्छा बताओ तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है? क्यों साहिर? भाई बताओ ना, वैसे ही पूछ रहा हूँ। ब्लैक, मुझे ब्लैक पसंद है। ब्लैक? ओके, थैंक यू, बाय। हेलो, आप मेरे लिए जरा भी एफर्ट्स नहीं करते। क्या? Are you serious? और नहीं तो क्या, वरना ईशल आपकी का एडमिशन मेरी यूनिवर्सिटी में ना करवा देते। अरे आपकी यूनिवर्सिटी में ट्राई किया था लेकिन वहाँ एडमिशन क्लोज हो चुके थे ना? एडमिशन वहाँ भी क्लोज हो चुके थे, मुझे सब पता है। अरे बाबा उस यूनिवर्सिटी में साहिर के कॉन्टेक्ट थे इसीलिए एडमिशन मिल गया। फिर तो मुझे आपसे नहीं डायरेक्ट साहिर भाई से बात करनी चाहिए। जब जाने का मन नहीं तो जाना क्यों चाहती? और आपसे ये किसने कहा? तुम्हारी आंखों। तो जवाब भी फिर इन आंखों से ही ले लें। साहिल कहाँ लेके जा रही है? मैं काम कर रही थी। साहिल ये आप क्या कर रहे हैं? सब समझ आ गया। Just wait, okay? कुछ नजर तो नहीं आ रहा? Are you sure? Yes. No cheating, all right?
यहाँ से कदम ये। हायर भाई ये। Are you ready? Sure? Here you go. आज से तुम यूनिवर्सिटी इसमें जाओगी। Congrats आपी। अच्छा तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा? मेरा फेवरेट ब्लैक। लेकिन मुझे ये ज्यादा पसंद है। अब मैं डायरेक्ट। Looks good नहीं? मैंने ऑफिस वालों को यही बोला इसी कलर की गाड़ी। अगर तुम्हें यही कलर पसंद था तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो? नाराज मत हो ना। काम करते हैं। मैं ऑफिस वालों को बोलता हूँ कि मुझे ब्लैक गाड़ी। ईशल कैसा लगा मेरा सरप्राइज? अच्छे क्या आप ही? इतना अच्छा सरप्राइज और इतना फीका रिएक्शन। भाई इतने अच्छे सरप्राइज पे एक हक तो बनती है। हाँ भाई एक हद हक तो जायज है। क्या बात? कलर अच्छा नहीं लगा? बहुत अच्छा। क्या कहा साहिर ने? साहिर कह रहा है कि कोमल आज रात वहीं रुक जाती है। ओफो वसीम आपको मना कर देना चाहिए था। आपको पता भी है कोमल कितनी शरारती है। अगर साहिर को उसकी कोई बात बुरी लग गई तो? ओहो फिक्र की कोई बात नहीं है। एक ही रात की तो बात है। अच्छा है इशल को भी जरा चेंज मिल जाएगा। ये कोमल इस तरह कभी रात घर से बाहर नहीं रही ना। फिक्र तो होती है। हर माँ को होती है। रख दिल पर हाथ जरा कुछ दर्द तो कम हो मेरा। मेरे गम को बखिया लगा। दिल है या सहरा है थर मौला। खुश्क निगाह है खुश्क जिगर मौला। साहिर भाई साहिर भाई तो साहिर भाई आप बारिश में क्या करते हैं? मैं कुछ नहीं। हम यार दोस्त इकट्ठे होते हैं एंड वी गो आउट फॉर अ ड्राइव। अब बारिश घर बैठ के तो नहीं एंजॉय कर सकते ना। अनलेस ऑफ कोर्स आप जैसे कमाल लोगों की कंपनी हो। आप ही चुप करके बैठी हैं। बारिश एंजॉय करें। कर तो रही हो। नहीं 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 आई डोंट थिंक सो। बिल्कुल सही गेस किया। पता है हम लोग बारिश में क्या करते थे? क्या? हम लोग छत धोने के बहाने छत पर चले जाते थे और वहां जाके फुल वॉल्यूम में खूब डांस करते थे। नहीं यार सीरियसली? हाँ और पता है सबसे ज्यादा कौन करता था? कौन? आप ही। ओहो इन्हें तो इतना गुनगुनाने का शौक था कि रोके ही ना रुके। अरे वाह ईशल। एक्सक्यूज मी मैं जरा अब्बा को देख लिया। तो कोमल तुम और मैं बारिश एंजॉय करते हैं? हाँ चल। तुम्हें पता है मुझे बारिश बहुत पसंद है। बारिश में भीगना इसकी बूंदों के साथ एक हो जाना क्यों महसूस करना जैसे आप ही के वजूद का हिस्सा।
जैसे इन्हें आसमान से जमीन पर सिर्फ आपके लिए उतारा गया। ख्यालों में बहुत दूर निकल जाते हैं आप। बस ऐसा ही मिजाज है मेरा, ख्वाब देखता हूँ और उन्हीं ख्वाबों को जीता हूँ। खुली आंखों से भी ख्वाब देखते हैं? हाँ बिल्कुल, मगर कोई अपना साथ हो तब, कोई ऐसा अपना जिसके हाथ थाम के एक नए जहान का तसव्वुर किया जा सके, उसके साथ दूर कहीं वादियों में गुम हुआ जा सके, जहां सिवाय मोहब्बत के और कुछ ना हो। कहां खो गई आप? कुछ नहीं। तुम तो मेरी बीवी हो, तुम क्यों नहीं समझती मुझे? मैं क्यों ये उम्मीद करता हूं कि तुम समझोगी मुझे, मेरी आंखों में आंखें डाल के मुझे समझ जाओगी, मेरे गम को दूर करोगी, मुझे सुकून दोगी। ये बारिश, I hate this goddamn rain. ये बारिश अम्मा को भी पसंद थी, वो भी बहुत खुश होती थी इस बारिश में, जिस तरह तुम हो रही हो। लेकिन मुझे इस बारिश से नफरत है, और आज के बाद तुम्हें भी होगी। साहिर, क्या कर रही है? ये बारिश पसंद है ना? आज के बाद तुम भी नफरत करोगी इस बारिश से। जान देकर भी राजी नहीं होता है, जुल्मी है ना तुझसा दूसरा। दिन में क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, फ्री हूं। क्यों फ्री हो? तो फिर ऑफिस का चक्कर ही लगा लो। अरे तुम्हारे ऑफिस नहीं यार, तुम्हारा ऑफिस इस दुनिया की सबसे बोरिंग प्लेस है। प्लीज, जहां से तुम्हें लेकर आया हूं वहां से ज्यादा बोरिंग नहीं है।